इस समाज में समाज के मुख लोग जगड़े सबका फौजी ने बेचारे इन्हों पेंशन बंद करने वास्ते उन्हें एक ही बहाल लिया कि हूँ जी अगली भर्ती की जी सारी प्लैनिंग वो इनू सारी बदली कर दौ ता कि आने वाले बच्चे जोड़े ने वो किसी पेंशन ना मिले तो किसी रैंक ना मिले क्योंकि असी मांग करते भी एक रंग एक पेंशन सारे की होनी चाहिए है जेडे अज तो 50 साल पहले आए थे उदो सस्ता समा सी जेडे अज पेंशन आ रहे हैं तो महंगाई जी है वो सारे उत्ते लागू हो रही है महंगाई सारे उत्ते लागू है तो उस हिसाब से असी सारे मांग करते कि वन रैंक वन पेंशन जी होनी चाहिए है पर मोदी ने हम एक नवा यह कानून कहलाया कि नो रैंक तो नो पेंशन नो रैंक नो पेंशन फौज के रैंकों ने खत्म कर दिता पहले सिपाही भर्ती हुंदा सी फिर नायक बनता सी फिर हौलदार बनता सी नायब सूबेदार बनता सी पर हुण जिहड़ी भर्ती है वो 4 साल बाद जदों कोई रैंक नहीं होगा तो कोई उहदी पेंशन नहीं होगी ये पेंशन खत्म करने वास्ते अपनियां ते एमएलए ते एमपी दीआं पेंशनां जिहड़ियां ने जिम्मेवारी 4 साल 5 साल अपनी वो रहा उन्ने वारी उहनूं पेंशन मिलदी है पर एक देश दे राखे जिहड़े ने जिन्हां ने देश ते अपना जे तो प्रेम खेलण का चाहो सिर धर पली गली मेरी आओ उन्होंने सिर तली ने धर के जो असी रिक्रूटमेंट तो बाद रिक्रूटिंग तो बाद जो है कसम खाते कसम परेड होती है सारी उन्होंने सिपाही नहीं बनता उन्होंने रिक्रूट ही कहा जाता तो उदो उस कसम परेड कहा जाता कि मैं जिते भी अगते रस्ते जलते रस्ते टालते रस्ते जिते भी भेजा जाएगा तो जो मैं अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पी तो मैं देवगा वह जरा जज्बा सगा वह जी स्पिरिट सी उस चीज ने खत्म कर देना है इन उदो पता लगना जो ये 4 साल वाले ने बेचारिया ने दुश्मनों के हाथ सुट के जेडे अपने हथियार सुट के आ जाना करना क्योंकि उन्होंने पता है ये 4 साल वास्ते हैं वो जो देश प्यार का जज्बा है वो तीगा कि सूँ पता है कि मैं अगे प्रमोशन लेना मैं अगे तरक्की करनी है मेरे जीवन तरक्की करनी है मेरा अगर रोजी रोटी का साम जो 10 साल 20 साल 25 साल जो मैं नौकरी करनी है जो ये सारी नौकरी की लिमिट बनाती 4 साल तो रिक्रूट जो सिपाही भी नहीं बनता इस तरीके देखा जाए सारे तुम बहुत मेरे वीर बैठे हो इतने जिन्होंने सारे तजर्बे अपने हड्डों न निभाए ने तो आप एक रिक्रूट भर्ती हो गए तो सिपाही बन के तो फिर रैंक लए ने तो कमांड के बहुत सारे बच्चे जो सिपाही भर्ती हो गए आए तो उन्होंने रैंक लए ने तो मोदी की जी प्लैनिंग है वो है कि फौज की पेंशन जी खत्म कर दी जाए 2004 के उदों भी इस बीजेपी की सरकार